स्टूडेंट्स, आई एम पवन कुमार स्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो अपन ने लास्ट क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट किया था, मेजर कॉमर्शियल और कैश क्रॉप्स ऑफ इंडिया, उसी का अगली जो क्रॉप है वो पढ़ने वाले हैं। पहले वाली क्रॉप के अंदर हमने शुगर कैन के बारे में पढ़ा था, आज हम कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मेंशन किया हुआ है, क्लास 10 चैप्टर 9 एग्रीकल्चर इन इंडिया ज्योग्राफी, आरबीएससी का ये क्या है, चैप्टर है। आरबीएससी के अंतर्गत अपन ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इस टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉटन के बारे में। कॉटन यानी होता है कपास, ठीक है। कॉटन जो होता है उससे धागे भी बनते हैं, कपड़े भी बनते हैं, तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इन मनुस्मृति एंड ऋग्वेद, यानी जो हमारे बहुत ही पुराने पुराण हैं, वेद हैं, जिनमें से एक मनुस्मृति है और एक क्या है, ऋग्वेद है। इनके अंदर वी फाइंड मेंशन ऑफ यूज ऑफ कॉटन क्लॉथ इन इंडिया। तो इनमें इस चीज का वर्णन किया गया है, यानी पुराने समय में, एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में हमारे देश के अंदर लोग जो थे वो सूती से बने हुए, यानी सूती वस्त्र पहनते थे। सूती जो वस्त्र होते थे उनके वस्त्र बनाकर और वो लोग पहना करते थे, यानी सूती वस्त्रों का ज्यादातर क्या क्या करते थे, प्रयोग करते थे। By which it is clear that the Indians have the knowledge of making cotton cloth since ancient time. तो इस चीज से हमें क्या पता चलता है, इस चीज से हमें ये पता चलता है कि प्राचीन समय से ही भारत के अंदर, ठीक है, जो सूती वस्त्र जो है उनका निर्माण होता आया है। नहीं, लोगों को पता था कि जो सूती वस्त्र है उनको कैसे बनाया जाता है। तो कहने का मतलब है बहुत प्राचीन समय से इसका प्रयोग होते आ रहा है, किसका, कॉटन का, हमारी कंट्री के अंदर। इसके अलावा कॉटन क्रॉप इज ग्रोन ऑन 6.7 पार्ट ऑफ द टोटल कल्टीवेटेड एरिया इन द कंट्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश के अंदर जितने भी क्षेत्र के ऊपर फसलें उगाई जाती हैं, उनमें से 6.7% जो हिस्सा है उसके ऊपर कौन सी फसल उगाई जाती है, यानी किसकी खेती की जाती है, कॉटन की खेती की जाती है, यानी कपास की खेती की जाती है। जैसे लास्ट में अपन ने शुगर कैन के अंदर पढ़ा था, तो उसमें अपन ने पढ़ा था जितना भी टोटल कल्टीवेटेड एरिया उसका 1/4 पार्ट जो है उसके ऊपर किसकी खेती होती है, शुगर कैन की। उसी तरह से 6.7% जो पार्ट है कल्टीवेटेड एरिया का उसके ऊपर कॉटन उगाया जाता है। इसके अलावा कॉटन इज ग्रोन इन खरीफ सीजन। कपास की खेती मुख्यतः खरीफ का जो सीजन होता है, जो मैंने बताया भी था आपको पहले, मुख्यतः अपने देश के अंदर तीन सीजन के अंतर्गत फसल बोई जाती है, रबी, खरीफ और जायद, ठीक है। तो इसको खरीफ सीजन के दौरान बोया जाता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, तापमान की बात करें तो तापमान के लिए जैसे मैंने लिखा हुआ है साफ साफ, कॉटन की जो फसल है उसको 20 डिग्री से लेके 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान की जरूरत होती है, टेम्परेचर की जरूरत होती है। अगर रेनफॉल की बात की जाए, बारिश की बात की जाए, तो 80 से लेके 150 सेंटीमीटर, यानी 80-150 सेंटीमीटर मिनिमम इसको क्या चाहिए, रेनफॉल चाहिए, बरसात की जरूरत पड़ती है। अगर अपन सोयल की बात करें, यानी मिट्टी की बात करते हैं, सोयल की बात करें, तो ब्लैक सोयल सबसे उपजाऊ होती है ना, सबसे बेहतर होती है। इसीलिए ये जो ब्लैक सोयल होती है इसको ब्लैक कॉटन सोयल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कॉटन की खेती बहुत अच्छी होती है। समझ में आ गई बात। और इसके अलावा वो जो मिट्टी है वो फर्टाइल होनी चाहिए, और उसमें दो कंटेंट जरूर होने चाहिए, लाइम और पोटास का होना बहुत ही क्या है, जरूरी है, क्योंकि कॉटन के ग्रोथ के लिए इन कंटेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसके ग्रोथ में कॉटन की। तो ये कंटेंट चाहिए कौन कौन से, लाइम एंड पोटास। सोयल कौन सी चाहिए, ब्लैक सोयल, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा थ्री वेराइटीज ऑफ कॉटन आर ग्रोन इन इंडिया। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में मुख्यतः तीन किस्म का कपास उगाया जाता है, तीन प्रकार के किस्म की खेती की जाती है, किसकी, कपास की, कॉटन के। वो कौन कौन से हैं, एक तो है कॉटन विद लॉन्ग एंड फाइन फाइबर, एक तो इस तरह कपास की खेती की जाती है जिसके रेशे लंबे होते हैं और बहुत ही क्या होते हैं, महीन होते हैं, मतलब बहुत अच्छा कॉटन होता है, जिसको अमेरिकन कॉटन भी कहा जाता है। क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान रखिए, कॉटन विद लॉन्ग एंड फाइन फाइबर उसको अमेरिकन कॉटन के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या कह रहा है, विच फॉर्म 50% ऑफ द टोटल कॉटन प्रोडक्शन।
हमारे देश में जितना भी कॉटन का उत्पादन होता है उसमें से 50% कॉटन विद लॉन्ग एंड फाइन फाइबर वाला जो कॉटन है जिसको अमेरिकन कॉटन कहा जाता है उसका उत्पादन होता है। समझ में आ गई। और इसको उगाया कहां जाता है? इसको उगाया जाता है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अंदर इसका क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। तो पहली वैरायटी ये हो गई कॉटन विद लॉन्ग एंड फाइन फाइबर। उसके बाद में दूसरे नंबर पे है कॉटन विद मीडियम फाइबर, यानी ऐसा कॉटन जिसके रेशे ना तो ज्यादा बड़े होते हैं और ना ज्यादा छोटे होते हैं। तो कॉटन विद मीडियम फाइबर विच फॉर्म्स 40% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, यानी जितना भी कॉटन का उत्पादन होता है उसमें से 40-50% उसका हो गया। 40% कौन सा कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है? कॉटन विद मीडियम फाइबर। और कहां कहां प्रोड्यूस किया जाता है? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु, यानी ये वो जो स्टेट है जहां पर मीडियम फाइबर वाले कॉटन का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है, खेती की जाती है। दोबारा बता देता हूं, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु, ये वो स्टेट है जहां पर मीडियम वाला जो कॉटन फाइबर है उसको क्या किया जाता है? उगाया जाता है या उसका प्रोडक्शन किया जाता है। इसके बाद में तीसरी वेरायटी कॉटन विद मिनट फाइबर, यानी जो सबसे छोटे रेसे वाला कॉटन होता है उसके बारे में, विच फॉर्म्स 10% पार्ट ऑफ द टोटल कॉटन प्रोडक्शन। 90% तो ये हो गया, 50% तो लॉन्ग और फाइन फाइबर वाला कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है और 40% ये तो 50% हो गया, 40% कॉटन विद मीडियम फाइबर वाला प्रोड्यूस किया जाता है, बाकी का जो 10% हो गया वो कौन सा? मिनट फाइबर वाला जो कॉटन है वो प्रोड्यूस किया जाता है। अब ये उगाया कहां कहां जाता है? ये कह रहा है ग्रोन इन ऑल द इंडियन स्टेट इन लेस क्वांटिटी, यानी भारत के अंदर लगभग जितने भी स्टेट है उन सभी स्टेट के अंदर इसका क्या किया जाता है? इसको उगाया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में इसको नहीं उगाया जाता, बहुत कम मात्रा में अलग अलग स्टेट के अंदर इसको क्या किया जाता है? उगाया जाता है। तो ये तीन वेराइटी हो गई किसकी? कॉटन की। दोबारा बता देता हूं, कॉटन विद लॉन्ग एंड फाइन फाइबर जिसको अमेरिकन कॉटन भी कहा जाता है, कॉटन विद मीडियम फाइबर यानी मीडियम फाइबर वाला कॉटन, और थर्ड कॉटन विद मिनट फाइबर कम रेशो वाला। तो ये तीन वेराइटी हो गई। इसके अलावा विद द व्यू पॉइंट ऑफ कॉटन प्रोडक्शन, अगर कॉटन के उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो गुजरात जो उसका स्थान पहला है, सबसे ज्यादा कॉटन का उत्पादन गुजरात में होता है, उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, और उसके बाद में किसका नंबर है? आंध्र प्रदेश का, यानी पहले स्थान के ऊपर है गुजरात, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये किसकी दृष्टि से है? कॉटन के उत्पादन, यानी कॉटन के उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए कि सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, तो पहले नंबर पे सबसे ज्यादा उत्पादन होता है गुजरात में, गुजरात के बाद में दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। इसके अलावा ड्यू टू द सप्लाई ऑफ कॉटन बीइंग लेस एज कंपेयर टू डिमांड, समझ में आ गया, मतलब डिमांड अगर अपन बात करें आपूर्ति की, किसकी आपूर्ति की? सप्लाई की बात करें, किसकी सप्लाई की? कॉटन की, तो क्या कह रहा है? बहुत कम है, किसकी तुलना में? डिमांड की तुलना में। तो इस बात से क्या स्पष्ट होता है, यानी क्या क्लेरिफाई होता है कि अपने देश के अंदर कॉटन की डिमांड तो ज्यादा है लेकिन उसकी सप्लाई कम है, यानी उतना उत्पादन नहीं होता है, यानी पूर्ति नहीं हो पाती है, जितनी डिमांड होती है उतना कॉटन लोगों तक पहुंच नहीं पाता है, इसीलिए इट इज इंपोर्टेड फ्रॉम, इसीलिए इसको दूसरे देशों से क्या किया जाता है? आयात किया जाता है, यानी मंगवाया जाता है। कौन कौन से देशों? जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका के अलावा सूडान, केनिया और इजिप्ट, इजिप्ट यानी मिस्र, ये वो देश है जहां से हमारे देश के अंदर कॉटन क्या किया जाता है? इंपोर्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है, यानी जितनी मांग है उतने लोगों को उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, इसीलिए पूर्ति करने के लिए इसको अमेरिका, सूडान, केन्या और इजिप्ट यानी मिस्र से इसको क्या किया जाता है? मंगवाया जाता है। किसको? कॉटन को। अगर हम राजस्थान की बात करें कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कॉटन का उत्पादन कहां पर होता है, तो कॉटन का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी और झालावाड़, ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कॉटन का हमारे राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर क्या क्या उत्पादन है क्या आता है? दोबारा बता देता हूं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी और झालावाड़, ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर राजस्थान के अंदर कॉटन का क्या क्या उत्पादन किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने
एक और कॉमर्शियल क्रॉप यानी कॉटन के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा, मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। अब आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और वही बात दोबारा रिपीट करता हूं, अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।